जिला बुलंदशहर के खुर्जा देहात, खुर्जा नगर और जहांगीरपुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में आज दोपहर बाद टिड्डी दल ने हमला कर दिया। एक साथ हुए इस हमले से क्षेत्र के किसानों में हड़कंप मच गया और आसमान टिड्डियों की भिन भिनाहट से गूंज उठा। टिड्डी दल के हमले से परेशान किसानों की सुध लेने के लिए ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा और ना ही कृषि विभाग के अधिकारी ने किसानों की सुध ली। यह नज़ारा खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र के गांव सौंदा हबीपुर आदि क्षेत्रों का है। टिड्डियों की संख्या देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान इन्होंने किसानों को पहुंचाया होगा। दरअसल हुआ यूं कि शाम लगभग 5 बजे के आसपास एक साथ लाखों की संख्या में जनपद के क्षेत्रों में टिड्डियां छा गईं, जिन्हें देखकर किसानों की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। इन्होंने तो किसान की फसल को नष्ट कर दिया है और बुरी तरह से बर्बाद हो गए, चौपट हो गए किसान। अच्छा। फसल को खा रही हैं। तो अब क्या कहना चाहते हैं आप? हम तो ये कहना चाहते हैं किसानों के लिए गवर्नमेंट से मदद मिले, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई मिले, मुआवजा मिले, वही इस टिड्डी के रोकथाम के लिए इलाज करा जाए, दवा वगैरह छमकवाई जाए। यहाँ भी बाग में बच्चे भी वो बर्तन बजा रहे थे, तो इससे क्या होगा? ध्वनि से टिड्डी ये सुनते हैं कि भागती है, इसलिए बच्चे बर्तन बजा रहे थे। टिड्डियों को भगाने के लिए किसानों ने थालियाँ, ढोल, नगाड़े, लाउड स्पीकर या दूसरी चीज़ों के माध्यम से शोरगुल करके भगाने का प्रयास किया, जिससे वे आवाज़ सुनकर खेतों से भाग जाएं और अपने इरादों में कामयाब ना हो सकें। किसानों की माने तो इस टिड्डी दल की वजह से उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये टिड्डी आ गई है जी। अच्छा। टिड्डी जो का पहले से ही बहुत नुकसान था, अब जो का टिड्डी आई है और ज़्यादा प्रकोप में है। अच्छा। और इसने बहुत नुकसान किया है। क्या चीज़ की फसल है आपकी? भिंडी। अच्छा, तो कितना नुकसान हो गया? करीब 30% का जी। अच्छा। और खीरा है, खीराओं में नुकसान है और धानों में तो बहुत ही ज़्यादा है, पत्ती को खा रही है। कोरोना के चलते किसान पहले ही अपनी बदहाली का जीवन जी रहा था, आज टिड्डियों का इतना भारी प्रकोप है जिससे भिंडी की फसल, धान, खीरा सबको नष्ट कर दिया। मैं आपको भिंडी दिखा भी रहा था किस तरह से उनके पत्ते फाड़ दिए गए हैं और जो धान की जो पौधे थे उनकी पत्तियाँ उखाड़ दी गई हैं। इतनी ज़्यादा बदहाली है किसान के लिए। पिछली बार भी हमने 15 दिन पहले ही प्रशासन को अवगत करा दिया गया था कि भाई हमारे यहाँ जो फसल है इसको नष्ट, टिड्डी अधिक तादाद में आएंगी और फसल को नष्ट कर देंगी। अब इस टिड्डियों के आने से जिला प्रशासन, जिलाधिकारी से बात की जाएंगी और जो भी नुकसान हुआ है हमारा, ये सरकार द्वारा इसको भरपाई कराई जाए। हमारी खबर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमशुद्दीन सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।